मिल जाएगा इस वीडियो के आपको। वहां पे मैंने एक लिंक दी हुई है फेसबुक की, जहां पे मैंने इस वीडियो में मैं जिस ब्रिज के बारे में बताने चाह रहा हूँ उस ब्रिज का वीडियो डाला हुआ है, जो कि 34 किलोमीटर का है और उस पूरे वीडियो को मैंने डाला हुआ है। वो एक व्लॉग के फॉर्म में है जो मेरे दूसरे चैनल और पेज का है, मैंने लिंक यहाँ पे पेस्ट की है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि जिस ब्रिज के बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वो ब्रिज कैसा दिखता है, कितना लंबा चौड़ा है, क्या क्या है, तो उस डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखिएगा। और चाहे तो बाद में इस वीडियो को देख लीजिएगा या फिर इस वीडियो के बाद उसको देख लीजिएगा, आपकी जैसी मर्जी हो। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लिंक पर ज़रूर जाइएगा, वो वीडियो, वो ब्रिज कितना ह्यूज है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो आपको देखना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे, शायद बहुत सारे अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट्स, चाहे वो पहाड़ में सुरंग बनाना हो, चाहे समुंदर में कई कई किलोमीटर लंबे रास्ते बनाने हो, चाहे वो कश्मीर का बड़ा वाला ब्रिज बनाना हो जो कि एफिल टावर से भी ऊंचा है, कर रहा है, सपने साकार हो रहे हैं। और मैं ना नहीं बोलता हूँ, अनबिलीवेबल चीज़ हो रही है। इन द सेम वे मध्य प्रदेश का कटनी, एक ऐसा शहर जहाँ पे लगभग 4 से 5 जगह के लिए रेलवे लाइन टूटती है, बहुत बड़ा जंक्शन है, और कटनी से बिलासपुर के बीच में जो मिनरल्स हैं, स्पेशली कोयला और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल मिनरल्स हैं जो खुदाई से निकलते हैं, उन सब के ट्रांसपोर्टेशन के लिए डेफिनेटली मालगाड़ी चलती है, जिसके लिए तीसरी लाइन डल रही है। और कटनी के आसपास डल रहा है ग्रेड सेपरेटर, एक डेडिकेटेड अलग लाइन तो है ही, और मालगाड़ी बिना आपके स्टेशन में दखल दिए बाहर ही बाहर सिटी के एक तरीके से बाईपास रेलवे का बन रहा है। मैं आपको एक छोटी सी पिक्चर दिखाता हूँ। कटनी रेलवे स्टेशन आज से लगभग 15-20 साल पहले कोई भी गाड़ी कहीं से भी होती थी, पहले कटनी जाती थी, फिर उसको अलग अलग जब डायरेक्शन में जाना होता था तो उसमें इंजन चेंज होता था, तब वो जाता था। सपोज कीजिए कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ शहडोल है, बिलासपुर लाइन मान लीजिए, बिलासपुर से अगर किसी गाड़ी को जबलपुर जाना है तो पहले वो कटनी जाएगी, फिर इंजन चेंज होगा, फिर वो मुड़ के जबलपुर जाएगी या फिर ग्वालियर जाएगी या पुरी जाएगी, जो भी है, मतलब वहाँ पे बहुत हॉचपॉच था। प्लानिंग ऐसी की गई कि गाड़ी सेपरेटली जिस एरिया में जाना है वहाँ चली जाए, इसीलिए कटनी के पास ही कटनी साउथ स्टेशन, क्योंकि जो भी गाड़ी भोपाल या फिर भोपाल नहीं इटारसी तक के रूट के लिए जाना चाहे या उससे आगे जाना चाहे, वो कटनी साउथ स्टेशन होकर चली जाए। उसके बाद जो भी गाड़ी ग्वालियर या फिर झांसी रूट में जाना चाहे वो कटनी मुड़वारा में चली जाए, और जो भी इलाहाबाद रूट में जाना चाहे वो कटनी स्टेशन होकर चले जाए। इन्होंने ये डिवाइड कर दिया रेलवे लाइन और स्टेशन, जिसके कारण बहुत सारा टाइम बचने लगा, बहुत सारी एनर्जी बचने लगी, खर्चा बचने लगा। लेकिन अब एक बात और आती है कि इस रेलवे लाइन में इतनी सारी जगहों से कम 400-500 ट्रेनें आराम से आती पर डे, अब इतनी सारी ट्रेनों के बीच में मालगाड़ियाँ कैसे एडजस्ट किया जाए। तब देखा गया कि मालगाड़ी को क्यों ना हम स्टेशन में एंटर किए बिना, जहाँ पर इतना हॉचपॉच है, इतना बिजी स्टेशन है, इतने बिजी स्टेशन में ना एंटर करते हुए बाहर ही बाहर निकाल दिया जाए। तो न्यू कटनी से थोड़ा सा पहले बोला जाए तो एक झलवारा करके स्टेशन है, उसके थोड़ा सा आगे से ये ग्रेड सेपरेटर है, एक ब्रिज बनाया जा रहा है जो बाहरी बाहर आपको कटनी से बाहर उतार देगा। मीन्स आपको कटनी उतरना ही नहीं है, आप बाहरी बाहर निकल जाएंगे। जो गाड़ियां पर्टिकुलर मालगाड़ियां कटनी भी जाएंगी, क्योंकि कटनी भी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे जाएंगी गाड़ियां, सिर्फ उनके लिए गाड़ियों को वहां जाना ज़रूरी है, नहीं तो सीधे सीधे कटनी से ऊपर उतर जाएंगी, उस साइड उतर जाएंगी जो कि सतना रूट भी है, ग्वालियर झांसी जहाँ भी जाना हो वहाँ उतर जाएंगी। तो ये जो ब्रिज है वो टोटल 34 किलोमीटर्स का है, जिसमें से 16 किलोमीटर का ब्रिज है और 18 किलोमीटर ऑन द लेवल है या फिर ज़मीन पे बना हुआ है वैसा। इस ग्रेड सेपरेटर में टोटल जो स्पान लगे हुए हैं, मतलब एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज के बीच में जो स्पान बनता है वो 260 स्पान लगे हुए हैं, और जो डाउन में है वो 411 स्पान लगे हुए हैं। September 2025 तक इसको ख़त्म होने की उम्मीद की जा रही है। फ़ायदा क्या होगा? बहुत बड़ा ट्रैफिक कंजेशन से फुर्सत हो जाएंगे। कटनी अगर आप जाएंगे, अगर आप पास होते हैं या फिर कटनी से बिलासपुर के रूट में जाते हैं, वहाँ एक न्यू कटनी जंक्शन है जिसको अब बंद किया जा रहा है, वो भी एक सॉर्ट ऑफ स्टेशन था कभी, अब बंद किया जा रहा है धीरे धीरे। अगर आप उसके अगल बगल देख लेंगे, बहुत बड़े बड़े यार्ड हैं, उसके बाद वहाँ पे डीजल इंजन खड़े रहते हैं, डीजल इंजन का ग्रेवयार्ड है, मालगाड़ियों का यार्ड है, बहुत दूर दूर तक, मतलब 15-20 किलोमीटर तक इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं वहाँ पे मालगाड़ियों को रखने के लिए। पुराने समय में आप तो डीजल इंजन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठते हुए ये ग्रेड सेपरेटर सीधे आपको पार उतार देगा इन सब ट्रैफिक कंजेशन से। फास्ट माल ढुलाई होगी, बहुत सारा खर्चा, ह्यूमन रिसोर्स, बहुत सारा समय बचेगा। ये जो प्रोजेक्ट है पूरा 1248 करोड़ रुपए का है, और कटनी ग्रेड सेपरेटर के नाम से ये प्रोजेक्ट है। अगर आप लिंक पे जाके देखेंगे तो वो जितना भी बना हुआ है, मैंने उसको वीडियो बनाया है, उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा।